भारतीय मजदूर संघ ने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, विद्युत, निजी और असंगठित क्षेत्र के कर्मियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सरकार जगाओ अभियान शुरू किया है। ये अभियान 30 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जिलाधीशों के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकारों को ज्ञापन भेजे जाएंगे। यही नहीं, प्रदेश के सांसदों के माध्यम से भी केंद्र सरकार को इन कर्मियों की मांगों के बारे अवगत करवाया जाएगा। इसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा के नेतृत्व में आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर डीसी कांगड़ा के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार के सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। मदन राणा ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा कोविड-19 के दौरान दी जा रही सेवाओं के चलते इन्हें 18,000 रुपए का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत ईपीएफ एवं ईएसआई योजनाएं लागू करके रिटायरमेंट पर 5 लाख की राशि का प्रावधान किया जाए। कोविड-19 के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि के दौरान निधन या विकलांग होने पर दुर्घटना बीमा योजना के तहत आश्रितों को एकमुश्त 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए। अनुभवी आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। आयु की सीमा को हटाते हुए योग्य आशा कार्यकर्ताओं को ANM के पद पर पदोन्नत किया जाए। आशा कार्यकर्ता को साल में 2 बार गणवेश अथवा वर्दी भत्ता, यात्रा भत्ता दिया जाए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 40 साल से अधिक आयु पर आशा वर्कर को योजना का लाभ दिया जाए। गंभीर बीमारी पर चिकित्सा अवकाश की व्यवस्था की जाए। इसके उपरांत भामसंघ के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने सांसद किशन कपूर के माध्यम से भी केंद्र सरकार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ केंद्र नेतृत्व के आदेशों अनुसार आज पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ ने 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक सरकार जगाओ कार्यक्रम चलाया है। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर आज पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ ने जिसकी शुरुआत आज जिलाधीश के माध्यम से की है, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी जो फैली हुई है, इस दौरान देश के अंदर 8.5 लाख के करीब आशा कार्यकर्ता जो मतलब नाम मात्र के बराबर जो वेतन ले रही हैं वो कार्य कर रही हैं। हमने आज एक मांग पत्र मान्य जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक इनका मानदेय 18,500 रुपया किया जाए। क्योंकि जो कोरोना जैसी महामारी जब से जो फैली हुई है, तो ये आशा वर्करें जब टोटल लॉकडाउन था, लोग इतनी गर्मियों में अपने घर में छिपे हुए थे, सोए हुए थे, जो हमारी आशा बहनें छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर दिन रात लोगों के बीच रही, और 5-5 मिनट के बाद, आधे आधे घंटे के बाद, एक एक घंटे के बाद एक एक रिपोर्ट सरकार को और प्रशासन को इन्होंने उपलब्ध करवाई है। आज जैसे हमने जो शुरुआत पूरे देश के अंदर जो की है कि सरकार जाओ जगाओ कार्यक्रम का जो पहले चरण में पूरे देश के अंदर संसदों को भी मांग पत्र दिया जाएगा, जो केंद्र सरकार की जो श्रमिक विरोधी नीतियाँ इसको लेकर आज माननीय संसद श्री किशन कपूर जी को भी हम इसके बाद मांग पत्र देने वाले हैं, और आज 24 जुलाई को पूरे देश के अंदर आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आज पूरे देश के अंदर हर जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र आज दिए गए हैं, और इस कड़ी में आज हमने धर्मशाला में भी दिया है।